जिला उद्योग और व्यापार बंधुओं तथा अधिकारियों की बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण स्थानीय स्तर पर मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी करेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए धन की कमी नहीं होने देंगे। अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की बढ़ोतरी करके औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समस्याओं को बढ़ने ना दें, तत्काल समाधान कराएं, इसका नियमित अनुसरण भी करें। समस्याओं का समाधान हम मिलजुल कर ही कर सकते हैं, इसलिए मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी प्रत्येक माह उनके साथ बैठक करें और संवाद करें। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को कमरिया घाट से जैतपुर लिंक फोरलेन मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसका कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा। यह जिले का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। इस कॉरिडोर में लैंड बैंक बनाया जाए ताकि नए उद्यमियों का उद्योग स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि व्यापार सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन कर दिया गया है और एसपी क्राइम इसके नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, इसलिए बाजार खुलते एवं बंद होते समय पुलिस पिकेट अवश्य लगाई जाए। सीसीटीवी कैमरे चौराहे एवं व्यापारी प्रतिष्ठान में लगाए जाएं। पुलिस से सत्यापन के पश्चात गार्ड तैनात किए जाएं। उन्होंने कहा कि शीघ्र प्रदेश सरकार को 35,000 सिपाही मिलेंगे। इसके अलावा 25,000 होमगार्ड 5 प्रमुख शहरों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की जा सके। उन्होंने कहा कि शहर की अवस्थापना संबंधी सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। 2 करोड़ की लागत से प्रेमचंद पार्क के सामने चौड़ा नाला बनाया जा रहा है। 25 वर्षों में पहली बार 7 किलोमीटर गौरधैया नाला की मशीन से सफाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि 8,000 नए स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। ठेला लगाने वालों का रजिस्ट्रेशन कराकर उनका पुनर्वास करवाया जा रहा है। नए पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे। शहर के अंदर सड़कें चौड़ी की जाएंगी। जर्जर विद्युत तार फेज वाइज बदले जाएंगे। साहबगंज में सड़क एवं नाली बनाई जाएगी। इसी प्रकार भलोटिया मार्केट में भी जल भराव का स्थायी समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए एक कान्हा उपवन बनाया जा रहा है, जिसमें 500 तक गोवंशीय पशु रखे जा सकेंगे। उन्होंने मंडलायुक्त को निर्देश दिया है कि मंडल के चारों जिलों में जिला पंचायत के माध्यम से पुराने कांजी हाउस को पुनः जीवित किया जाए तथा वहां आवारा पशुओं को रखा जाए। उन्होंने कहा कि नए निवेशकों के लिए निवेश मित्र पोर्टल चालू किया जाए। इस पर नए निवेशक अपनी समस्या लिखकर डाल सकते हैं, इसका त्वरित समाधान कराया जाए। बैठक में विभिन्न व्यापार संगठन के पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। पदाधिकारी या उद्योग बंधु से जुड़े होंगे, उनको अंदर बिठवा दो।
जी सर।